अरे सेठ जी, क्या है सेठानी? जब से हमारी शादी करके लाए हो तब से आप कहीं हमें घुमाने ही नहीं ले गए हो। अरे घुमाने का मौका ही कहाँ मिलता है, इतना कारोबार फैला हुआ है, हैं? अरे कारोबार छोड़ो सब, हमको दिल्ली ले चलो, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना है और दिल्ली का लाल किला भी वहीं से देख के आना है। वो तुम्हारी गए नहीं है ना, तो वहाँ से टहल के आते हैं। लाल किला देखने की इच्छा है? हाँ। तो ठीक है, तुम्हारी बात हम कैसे टाल सकते हैं, हैं? चलो चलते हैं स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पे बैठेंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए ना, जल्दी तैयारी करिए, चलते हैं फिर घूमने के लिए। हम तुम्हारी इच्छा सुबह से ही जान गए थे, तुम्हारा प्लान कुछ क्योंकि इतना सच धर की है जो चल रही हो, हैं? हमारे दिल में कुछ खटक रहता है, इसीलिए हम पूरा साजो सामान लेकर के साथ में चल रहे हैं। उसके लिए थोड़ी नहीं है हम सच देते हैं, आपके लिए। अरे हाँ, वही तो सकते हैं। वो तो सकती हूँ, मगर आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, हमें पता ही नहीं था इतना खूबसूरत लग रहे हैं, तो आज हमको घुमाने ले जा रहे हैं, वरना पहले ही हम इतना मेकअप कर लिए होते तो हमको अच्छा? पहले ही आप घुमा लाते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं साथ में। चलिए ना फिर। हाँ, चलो। अरे सेठानी। हाँ बोलिए। ऐसा है, देखो शाम ढलने वाली है और हम चलते चलते परेशान, इतना भारी भरकम बैग और झोला मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, लगता मतलब कोई कुली तलाश किया जाए और कुली को बुला करके सामान लेकर के उसे साथ में भिजवाया जाए, ताकि हम लोग प्यार मोहब्बत करते हुए बातें करते हुए स्टेशन तक पहुँच जाए। हाँ ये ठीक है। हाँ? सामान भी चला जाएगा और हम लोग भी प्यार से चले जाएंगे। हाँ हाँ। अरे कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे कुली, ए कुली, अरे जरा इधर आना भैया। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार 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 जी। अच्छे ठीक हो? ठीक हो। ऐसा है, ये हमारा अटैची और ये बैग। हाँ बाबू, हमारा स्टेशन तक पहुँचा दोगे? हाँ बाबू जी पहुँचा देंगे। हमको अपनी सेठानी को शॉपिंग कराने के लिए दिल्ली ले जाना है। हाँ बाबू जी, हम गरीब आदमी हैं और कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी शादी करना है हमको बाबू जी। ओ शादी नहीं हुई तुम्हारी? बाबू जी ये कौन है? अरे जी हमारी सेठानी है, हमारी बीवी है। है? क्या बात? नहीं नहीं कोई बात नहीं बाबू जी, ये दुहाजू शादी है क्या? क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसा है सेठानी जी। हाँ, ये बताओ, ये बेचारा दिखने में बहुत गरीब मालूम पड़ता है। बहुत गरीब है। दूर से बड़ा, दूर से बात करो, ये बताओ इसको कितना पैसा दे दिया जाए? अरे दे देंगे 400-500 रुपए, पहुँचा देगा आराम से, चले भी तो जाएंगे। 400-500 रुपए में इसकी शादी कैसे हो पाएगी? अरे तो जो समझना आप दे देना, अब इससे ज्यादा हम क्या कहें। देखिए हम इलाके के बहुत बड़े सेठ हैं, रईस हैं, सोने चांदी के हीरे जवाहरात के हमारे कारोबार चल रहे हैं, क्यों ना इसको 10-15-20 हजार रुपए दे दिया जाए? आपकी जैसी मर्जी। हाँ? वैसा ही करिए। ठीक है। ऐ कुली जी, ये लो हमारा बैग। बैग? अरे ये बैग नहीं। अच्छा, ये नहीं, बैग नहीं। लो और अटैची। हाँ बाबू जी, स्टेशन देखो शाम ढलने वाली, शाम ढलने से पहले हमको स्टेशन पहुँचना है। लाइए बाबू जी। लो लाइए। अरे यार क्या करते हो? बाबू जी। हाँ। इसमें क्या भरे हो? अरे कौन सा सामान है, बहुत वजन है बाबू जी। इसमें क्या बताएं क्या भरा हुआ है, इसमें थोड़े कागजात वगैरह हैं और कुछ नहीं है बाबू जी, बहुत वजन है। अरे वजन है इसीलिए तो तुमको बुलाया है। ठीक है चलिए बाबू जी, आइए आइए हमारे साथ। वैसे ये जो सेठ है ये बुढ़ा है, और इसकी जो औरत लुगाई है ये हमारे लायक है, ये जवान है, पता नहीं कैसे इसके साथ में इसने शादी कर लिया। चलो जुगाड़ लगाते हैं। अरे क्या बात है बाबूजी,
तुम बहुत पीछे हो, हम आगे निकल गए, तुम यहीं पे पड़े हो। बाबूजी हाँ अरे भाई इस तरह से सुस्ताते चलोगे तो शाम यही हो जाएगी, हम लोग स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाबूजी ठंडक बहुत लग रही है, बाबूजी ठंडक बहुत लग रही है। अरे ठंडक लग रही तो हम क्या करें बाबूजी, ये कपड़े हो सके दे दो बाबूजी वरना मैं मर जाऊंगा। कौन ये कपड़े? हाँ ठंडक में सब हड्डी। अरे ये कपड़े कितने कीमती है तुमको मालूम है? बाबूजी सब हड्डी ऐठी जा रहे हैं ठंडक मारे। सेठानी अब क्या करें, शाम होने वाली है और ये यहाँ पे बवाल मचा रखा है कि हमारी ठंडक लग रही, अगर शाम होते होते अगर हम स्टेशन नहीं पहुँचेंगे तो फिर दिल्ली कैसे पहुँचेंगे? तो इसीलिए तो कह रहे हैं उसको ये कपड़े दे दो, जो भी मांग रहा है उसको दे दो, कम से कम हमें टाइम पे तो पहुँचा देगा। टाइम पे पहुँचा देगा तुमको, इस पे क्यों इतना तरस आ रहा है टाइम पे पहुँचा देगा है? अरे जाएगा नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अरे कैसे जाएंगे, शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे और आप लाए हैं पहली बार घुमाने इसलिए शॉपिंग भी नहीं आप करा पाएंगे। क्या बताएं छोटाने जी, इन औरतों की बुद्धि दिमाग में नहीं होती है सर के ऊपर होती है। ठीक है जो तुम कहो मैं तय करने के लिए तैयार हूँ। ये लो भैया चलो चलो मुझे स्टेशन पहुँचा दो। ये लो इसको पहनने की अकल भी नहीं है, आगे का पीछे भी पहन रहा है। अबे अब मैंने उतार के कपड़े भी दे दिए तब भी तुम्हारे ठंडक लग रही है? बाबूजी पीछे ठंडक लग रही है, अरे यार ये तो दिमाग खाएगा। अब क्या चाहिए बाबूजी? ये भी चाहिए? हाँ ये दे दो बाबूजी पीछे खुला। ये तो हमको नंगा कर रहा है। नंगा नहीं कर रहा, अगर आप उसको नहीं देंगे तो टाइम पे नहीं पहुंचा पाएगा, फिर हमारी शॉपिंग आप कैसे कराओगे? इसलिए कह रहे हैं जल्दी दे दो उसको। ठीक है पहुंचा दे टाइम पे। ये माला पकड़िए आप। क्या बताऊं ऐसे ऐसे इंसानों से मेरा पाला पड़ गया। चलो भैया चलो ये टोपी पकड़िए। चलो मेरे भाई किसी तरह से हमको स्टेशन तक पहुंचा दो। ये लो कपड़े लो लो ये लो। चलो यार लाओ अब तो चलो। अबे इतनी ठंडक लग रही तुमको है? अरे यार जल्दी पहनो, कितना वक्त हो गया है। शेखानी जी देखो कितना वक्त शाम ढलने वाली है। हाँ अभी तो शाम ढलने वाली है और ट्रेन भी छूट जाएगी। चलो भैया चलो। अरे चलो 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 तैयार हो रहा। चलो चलो चला नहीं जा रहा है। अरे अब क्या चाहिए मेरे बाप? बाबूजी पैरों में ठंडक बहुत लग रही है। पैरों में ठंडक? अब क्या करें, क्या चाहिए तुमको बताओ बाबूजी? ये अरे ये तो हमको सेठानी नंगा कर रहा है, नंगा। अरे अभी पहुंचने ही वाले हैं, लेके दूसरा तुरंत पहन लेना, दे दो ना उसको मांग रहा है, कम से कम टाइम पे पहुंच जाएंगे ना। औरत का तिरिया चरित्र में जो फंस गया समझ लो वो बर्बाद हो गया। ठीक है अगर तुम नहीं मानती हो तो लो भैया ये भी पहन लो, मगर हम तो नंगे हो जाएंगे। ए वो जरा अपना उतार के देना ये। हाँ कितना बदबू कर रहा है यार। कोई बात नहीं यार, कहते हैं अपनी गरज पे गधे को दादा कहना पड़ता है। चलो भाई ये लो भैया। अब चलो भैया बहुत टाइम हो रही, शाम ढलने वाली है, अंधेला होने लगता है तो मुझे आंख मेरी आंखों में तिंगू लगने लगता, दिखाई नहीं पड़ता है। चलो भाई
अरे पहनो यार जल्दी। सेठानी जी हैं? हाँ, बोलिए। आज तुमने हमको ऐसी जगह पे लाके फंसा दिया कि हम तो बताओ बर्बाद होते होते रह गए। अब बताओ हम ऐसी हालत में चले? चलो ना ऐसी हालत में, कौन सा भी बर्बाद हो गए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ खरीद लेना कपड़े, फिर वहाँ से आएंगे तो फिर बनवा लेना, पहनना अपने आराम से। जी जी ठीक है। चलो भाई अब, ए बाबूजी, भाई मेरे बाबूजी, अब तुम उसको उठाकर भैया हमको स्टेशन तक पहुँचा दो। ये लो। ये क्या करें? अच्छा हम अपना तन ढकते हैं। चलो 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 भैया उठो, चलो। बाबूजी अब मुझसे चला नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं चला जाएगा बाबूजी? ठंडक लग रही थी, सभी कपड़े दे दिए आपको उतार के। हैं? देखिए हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मुझसे चला नहीं जाएगा। तो क्या मुफ्त का पैसा तुमको दे दे? नहीं जल्दी चलना है तो चप्पल दे दो। हैं? चप्पल दे दो। सेठानी ये क्या कह रहा है, अब ये हमारे चप्पल भी मांग रहा है। देखो ना उसके पैर में कितने छाले पड़ गए और खून भी निकल रहा है। तुमको इतना क्यों तरस आ रहा है इस पे? बेचारा गरीब है इसीलिए तरस आ रहा है हमको। अच्छा इसीलिए कह रहे हैं उसको चप्पल दे दो, अभी आगे स्टेशन पे खरीद लेना। दिला दीजिए, दिला दीजिए। लीजिए भाई लीजिए, तुम जो कहती हो सब ठीक है। ये लो, अब तो चलो मेरे भाई, अब हमको स्टेशन तक पहुँचा दो। स्टेशन तक पहुँचा दो, हम बहुत परेशान हो गए। आओ चलो चलो आओ आओ जल्दी। बाबूजी ये टोपी सर में ठंडक लग रही है। सर में ठंडक लग रही? हाँ ये, अरे ये ये सेठानी ये हमारी पगड़ी मांग रहा है। पगड़ी तो दे दीजिए ना उसको, दे दीजिए ना उसको, हर चीज दे दीजिए ना उसको। तुम्हें बहुत तरस खा रही हो, क्या बात है आज? आप घुमाना नहीं चाहते हो क्या हमको? अरे तुम्हारी बात कैसे है टाल सकते हैं, तुम्हारी बात क्योंकि तुम हमारी धर्म पत्नी हो। ये टोपी क्या चीज, लो भैया ये भी लो, और ये माला भी ले भैया। जल्दी मुझे स्टेशन तक पहुंचा दे। चलिए देख ले कितना टाइम हो गया है। आइए। कितना टाइम हो गया है बाबूजी? बजने वाले बाबूजी। हाँ ऐसे तुम्हारे साथ हम नहीं चल सकते। फिर कैसे चलोगे भाई? मेरे पास घड़ी नहीं है। अगर घड़ी मेरे पास होती तो मैं टाइम के अनुसार साथ तेज भी चलता। ऐसा करो ये घड़ी हमको लाओ। सेठानी ये क्या कर रहा है मेरे साथ, सब सारे कपड़े उतार के दे दिए, अब ये घड़ी बची इसको भी मांग रहा है। तो घड़ी दे दो, वो जल्दी टाइम दे के पहुंचा देगा, आपके हाथ में बांधने से क्या फायदा है। हाँ ये भी सही है, ठीक है। ये लो भैया घड़ी लो। अरे यार ये तो निकलती नहीं, भैया जरा इसको मदद करो। हम लो खुल गई। चलो भैया जल्दी पहनो, मेरे बाप जल्दी पहुंचा दो, शाम ढलने वाली है। अगर गाड़ी छूट गई तो हम अपनी सेठानी की शॉपिंग नहीं करा पाएंगे, दिल्ली नहीं घुमा पाएंगे। ये दिल्ली का लाल किला देखना चाहती क्यों? नहीं नहीं तुम भी देखोगे। दिल्ली का लाल किला तुम भी देख रहे हो? अरे क्यों नहीं, जब हमारी सेठानी देखेगी तो हम भी देखेंगे। चलो 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 चलिए। अरे यार कहाँ इस बुढ़े के चक्कर में पड़ी हो? अरे तो क्या करें फिर? क्या करो? हाँ अरे जो भी करना है सामने करो। हाँ ये तो बात सच लग रही है। माल भी है, सामान भी है, हम भी हैं, तुम तैयार भी हो। ये तो सही है, सारा कपड़ा जब उतार के दे दिया तो कभी हमें भी दे देगा। ये बात पते की कही, आज उसने गरीबी देख करके कपड़ा दे दिया है, कल कोई मोहब्बत से तुमको मांगेगा
तो उसको भी आपको दे देगा। हाँ ये तो बात सही है, इसलिए तुम हमारे साथ रहो मेरी प्यारी, अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तो हमको दिल्ली का लाल किला दिखाएंगे? अरे दिल्ली का लाल किला तो क्या है, मैं बाराबंकी का घंटा घर दिखाऊंगा। चलिए चलिए। अरे आओ भाई, चाहे कितना देर लगा रखा है, आओ जल्दी आओ। अरे भैया शाम होने वाली है, एकदम सूर्य नारायण डूब चुके हैं। ये झोला उठाओ, है? इसको सर पे रखो। का है भैया? ये सर पे रखो और ये झोला। अरे मैं सेठ हूँ, तू कुली है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। कौन कहता है? अरे मैं कहता हूँ। नहीं ये कौन है? ये हमारी बीबी है। अरे ये मेरी धर्म पत्नी है। अबे जैसे मजदूर आदमी हो वैसे मजदूरी करो, बैग उठाओ। और अरे सेठानी ये क्या बता रहा है, ये हमसे कह रहा है कि बैग उठाओ। है झोला बैग हम उठा के ले चले। बोलो क्या बोले, आप तो सब उसको ही दे दिए। हाँ और क्या, अब तो वो मेरा पति हो गया। पति? आप तो एक सामान उठाने वाले कुली ही रह गए। अब हम क्या करें भगवान, जाए किसी पुलिस वाले से संपर्क करते हैं, किसी थाने में जाते हैं। अरे सर सर, मुंशी जी इधर आइए 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 सर, जल्दी आइए आइए। क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रखा है? सर सर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कैसा धोखा तेरे साथ में हुआ? धोखा ये हुआ है कि मैं इस रियासत का सेठ था और ये कुली था, इसने हमारे कपड़े ले लिए, मेरा सब सारा पोशाक ले लिया, मेरी पगड़ी ले लिया, मेरे चप्पल, यहाँ तक कि मेरी औरत को भी इसने ले लिया। और कहता है कि तुम कुली बन करके ये सामान ले चलो। ठीक है, तुमसे मैंने पूछा है जी, लेकिन जा करके उससे मैंने पूछ करके तब फैसला करूंगा। जी साहब ठीक है। जे बताओ कौन इसमें कुली है और कौन सेठ है? सर जी, साहब जी, आपको इतनी तो पहचान हो गई होगी कि मेरी पोशाक से, मेरे पहनावों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन कुली है, कौन सेठ है और किसकी बीवी कौन है, है? ये तो मुझे पता है। अगर आपको यकीन न हो तो ये हमारी वाइफ है, इनसे मालूम कर लीजिए। तुम बताओ। सर आपको इतना ही नहीं दिख रहा है कि सेठ कौन है और कुली कौन है? हमारे पति तो हमारे साथ में खड़े हैं, कुली मेरा सामान ही लेकर नहीं जा रहा है, सिर्फ यहाँ रख रहा है, बस कह रहा पैसे ज्यादा लेंगे तभी ले जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब तुम कुली हो? नहीं साहब, हम कुली नहीं है साहब। फिर कौन है कुली? चलो हम साहब कुली नहीं, हम सेठ हैं साहब। अरे और कौन है कुली? सर वो कुली है, हम सेठ हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है। ठीक है सर, ठीक है, मत मारो मारो मत। हुजूर लिए चल रहे, भैया यह हिदायत मिल रही है, हमारे साथ आप लोग देख रहे हो और यह बात का ध्यान जरूर रखो कि अगर पन घट जाए तो दोबारा शादी न की हो, जवान लड़की से शादी न की हो, नहीं यह दशा तुम्हारे घर में हुई। चल रहे साहब।